सर एग्जाम्पल नंबर एट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, वैसे तो मैंने सॉल्व करवाना है, लेकिन मैं एक दो मिनट आपको दूंगा कि आप एक नाकाम कोशिश करें। जिन लोगों को अपने रजिस्टर से मोहब्बत बहुत है कि सर वो काम गंदा हो जाएगा, क्रॉस लगेगा, पहली बात तो ये कि क्रॉस आपके काम को गंदा नहीं करता, क्रॉस आपके काम को साफ करता है। रजिस्टर के पीछे ट्राई कर लेना, जरा सुनना क्या लिखा हुआ यहाँ पर। अबे क्या लिखा हुआ है? स्क्रैप प्रोसीड। क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये हुआ, अब आपकी मशीन के अंदर जो माल इनपुट हो रहा है, प्रोसेस एंड होने के बाद दो हिस्सों में जाएगा, एक तो बन जाएगी आउटपुट, एक बन जाएगा स्क्रैप। स्क्रैप क्या चीज है सर? स्क्रैप वही है जिसको आप कुछ देर पहले बोला करते थे नॉर्मल लॉस। अच्छा अच्छा सर, नाम चेंज हो गया? नहीं, नाम चेंज नहीं हुआ। अगर नॉर्मल लॉस बिक नहीं रहा तो उसको नॉर्मल लॉस बोलेंगे, अगर नॉर्मल लॉस बिक रहा है तो उसको स्क्रैप बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने इनपुट किया 1000 का, एक्सपेक्टेशन थी कि 80% आउटपुट आएगी, हुज़ैफा 80% ही आ गई। कितना आउटपुट बना? 800 किलो। स्क्रैप कितना बना? 200 किलो। नॉर्मल लॉस ये है वो कितना बना? 200 किलो। नाम चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कौन बेयर करता है? लेकिन इस सवाल के अंदर ये जो 200 किलो का स्क्रैप था, रद्दी वाले को 10 रुपए के हिसाब से बेच सकता हूं, ये बेच के मेरी जेब में 2000 रुपए आएंगे, पैसा आ गया। तो नॉर्मल लॉस का नुकसान कौन बेयर करता था? नॉर्मल लॉस का स्क्रैप बेच के जो 2000 का फायदा हुआ है, ये कौन जो है वो रिसीव करेगा? ये भी कस्टमर करेगा। हुज़ैफा वाला एग्जांपल दे दूं, याद है बकरा लेकर आया था 40 किलो का, बकरा काटा इसने 20 किलो गोश्त निकला, तो 40 किलो बकरे की जो भी कॉस्ट है इसने मार्केट में जो पे किया है उसको ये डिवाइड करेगा 20 किलो से। लेकिन किसी ने इसको ये बताया कि भाई खाल भी तो बिक सकती है, 2000 की तुम खाल बेचोगे, तो 2000 की खाल बेचने का मतलब ये हुआ कि ये जो 2000 रुपए आपके पास आ रहे हैं ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं। तो अपने पास नई एग्जांपल पे लर्निंग आउटकम नोट कर ले, प्रोसेस अकाउंट विद स्क्रैप प्रोसीड। ये डायग्राम बनाए अपने पास, सबसे पहले कॉन्सेप्ट डायग्राम, इस कॉन्सेप्ट डायग्राम के नीचे दो बातें नोट कर लें। इस डायग्राम के नीचे दो बातें नोट कर लें। पहली बात नोट करें जो आप शुरू से नोट करते आ रहे हैं, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कस्टमर बेयर करता है। पहली बात नोट करें, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कस्टमर बेयर करता है। दूसरी बात नोट करें, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कस्टमर बेयर करता है। दूसरी बात नोट करें, नॉर्मल लॉस अगर बिक सकता है तो उसको स्क्रैप बोला जाता है। नॉर्मल लॉस अगर बिक सकता है तो उसको स्क्रैप बोला जाता है। और तीसरी और काम की बात नोट करें कि नॉर्मल लॉस की स्क्रैप का बेनिफिट भी कस्टमर को ट्रांसफर होगा। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप का बेनिफिट भी कस्टमर को ट्रांसफर होगा। नॉर्मल लॉस की कॉस्ट का बेनिफिट भी कस्टमर को ट्रांसफर होगा। चौथी बात रेक्टेंगुलर बॉक्स में नोट कर लीजिएगा, चौथी बात नोट करें, इंग्लिश में नोट करनी है, ये स्क्रैप प्रोसीड्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। स्क्रैप प्रोसीड्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट पर यूनिट। Scrap proceeds will be deducted from cost of production while calculating cost per unit. ये जरा rectangular box में ले ले मेरे भाई।
रेक्टेंगुलर बॉक्स में ले लीजिए। अब नए सवाल स्टार्ट हो रहे हैं, चाहे तो रजिस्टर में थीम बना लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 तक जो आपने क्वेश्चंस किए हैं वो सारे बेसिक लेवल क्वेश्चन थे। आज के दिन से हम इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस के अंदर मूव कर रहे हैं, वन स्टेप अबव देम। जब ये इंटरमीडिएट सवाल हो जाएंगे फिर हम एडवांस लेवल के ऊपर मूव करेंगे, और जब एडवांस लेवल हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम प्रो लेवल पे मूव करेंगे। फास्ट पेपर तो आप एडवांस लेवल के बाद भी कर सकते हैं, फास्ट लेवल तो हम साथ साथ जो है वो सॉल्व करते रहेंगे, लेकिन प्रो लेवल वो है जिनका मकसद सिर्फ एक है। आप में से जिनके दिल के अंदर फिरौन बसता है उनको मूसा दिखा दिया जाए। हो जाता है ना, बच्चा बोलता है यार ऐसी टाइट प्रैक्टिस की है, रोज रिविजन किया, अब तो मैं खुद अली अहमद को जो है वो टीच कर दूं प्रोसेस कॉस्टिंग। बिल्कुल आप टीच करें, लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं तो प्रो लेवल का मकसद होता है आपको थोड़ा सा हम, ये अच्छी बात है, हम्बल होना अच्छी बात है, ये हर बंदा अगर हम छोड़ो। अच्छा सर सवाल नोट करें, बस एग्जाम्पल नंबर 1 मटेरियल हमने इनपुट किया है 5000 किलो, जिसकी कॉस्ट आ रही है 5,00,000 रुपए। सुनते जाना, मैं सवाल साथ साथ रीड भी कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना होगा। लेबर भी आपके पास आ रही है 5,00,000 की, और प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपके पास आ रहे हैं तकरीबन 10,00,000 रुपए के। सर एक्सपेक्टेड आउटपुट आपके पास आ रही है 80%। एक्सपेक्टेड आउटपुट 80% का मतलब नॉर्मल लॉस जो है वो कितना आ रहा है? अच्छा एक्चुअल आउटपुट भी आपके पास आ रही है 4,000 किलो, किसी किस्म का कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन एक नई इंफॉर्मेशन और आ गई है, क्या? स्क्रैप प्रोसीड्स, रद्दी वाला जो सामान है दैट कैन बी सोल्ड एट 20 पर केजी। हाँ इधर इसको चेक कर लीजिए, ये सवाल हमने सॉल्व करना है, रिक्वायरमेंट इसकी सेम रहेगी। मैं रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा चेंज करना भी स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना है, सीपीयू निकालना है, प्रोसेस अकाउंट बनेगा और एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएगी। सर ये क्वेश्चन छाप लें, जब छाप लें तो मुझे बताएं, ये आपने सॉल्व नहीं करना, ये मैं सॉल्व करूंगा। जब आप इसको देख लेंगे तो फिर ये सवाल मैं आपको सॉल्व करने को दूंगा। इसके बाद जितने भी सवाल हैं वो आपने सॉल्व करने हैं, पहले आप करेंगे बाद में मैं करूंगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जरा देख लो, सवाल छाप के मुझे बताओ। ऑनलाइन वाले बच्चे चैट बॉक्स के अंदर बताएं, आपने कैलकुलेटर हाथ में रखना है और सिर्फ चीजों को देखना है, दैट्स इट। ये सवाल छापने से ज्यादा कॉन्सेप्ट एक्विजिशन आपके बहुत काम किया। नॉर्मल लॉस के स्क्रैप का बेनिफिट भी कस्टमर को, हाँ ये सही है समीर, सही है। रुदा हजार क्या पूछ रही हो? अच्छा प्रोडक्शन ओवरहेड 1,000,000 गेन, मटेरियल की कॉस्ट है 5,00,000। हाँ भाई बच्चों सवाल छाप लिया आप लोगों ने, आगे बढ़े जरा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जरा चेक कीजिएगा चीजें किस तरह से चेंज हो रही हैं, कुछ चेंज नहीं हो रहा, चीजें इवॉल्व कर रही हैं, जिस तरह आप इवॉल्व कर रहे हैं वैसे ही चीजें इवॉल्व कर रही हैं। पिछले 7 सवाल बेसिक सवाल थे, आपके पास आपने इनपुट देखा, आउटपुट देखा, नॉर्मल लॉस देखा, फिर आपने एबनॉर्मल लॉस देखा, और आखिरी सवाल में आपने एबनॉर्मल गेन देखा।
अब आप एक नया कॉन्सेप्ट आज से स्टार्ट कर रहे हैं। वो नया कॉन्सेप्ट क्या है? पहले आपका जो वेस्ट था वो भाप बन के उड़ जाया करता था, अब हम शुगर मिल के अंदर काम कर रहे हैं। हमारा शुगर केन प्रोसेस होके शुगर तो बन रही है, लेकिन जो शुगर केन का वेस्ट है वो हम पेपर वाले को भी सेल कर रहे हैं ताकि उसको बेच के हम पैसे कमाना स्टार्ट करें। तो अब हम ऐसी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं जहां हमारा स्क्रैप सेल हो सकता है। हमारी अगर गोश्त की दुकान है तो हम गाय बकरे की जो खाले हैं उसका जो वेस्ट है वो आगे वाले बंदे को सेल करके उससे भी पैसा अर्न कर रहे हैं। इवन जो दुकानदार होता है परचून की दुकान पर जो काम कर रहा होता है वो भी मार्केट से जब चावल चीनी दालें खरीद के लेकर आता है तो उसको वो सामान ना बोरी के अंदर मिलता है। अगर आपको नहीं पता तो वो जो कपड़े की बोरी आती है ना वो बोरी भी मार्केट में 200-300 रुपए की सेल हो रही होती है। तो दुकानदार के लिए उस बोरी पे दो चीजें आ गई, दो चीजें यूं आ गई, एक तो उस बोरी का सामान चावल जो भी उसके अंदर है पड़ा हुआ वो बेच के आपने वो कमाए सारे पैसे, प्लस फिर आपने बोरी डिस्पोज करके भी 300-400 रुपए जो है वो चार्ज कर लिए। लेकिन हम लोग स्क्रैप को क्या ट्रीट करते हैं? आपने अपने पास पढ़ा सर, हम स्क्रैप को इनकम में ट्रीट नहीं करते। लाइक एक बंदा ये बोल सकता है सर बोरी बेच के 300 रुपए आए वो एक एडिशनल इनकम हो गई, हम इसको अदर इनकम में ट्रीट नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं? चौथा पॉइंट इंग्लिश में लिखा है ना, पढ़ के सुनाओ। हम क्या कर रहे हैं? हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं। तो अगर आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो स्क्रैप की दो ट्रीटमेंट हो सकती है। एक ट्रीटमेंट तो ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर इनकम में ऐड कर दो। एक ट्रीटमेंट ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कॉस्ट को कम कर दो। हम क्या कर रहे हैं? हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कम कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है? यही हरकत जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट के अंदर भी होगी, हमारी डिफॉल्ट ट्रीटमेंट एग्जाम के अंदर यही होती है। इस सवाल के अंदर हमने कितना माल इनपुट किया मेरा बच्चा? 5000 किलो। कितना माल आउटपुट में निकला है? एक्चुअल आउटपुट हमारे पास क्या हुई है? तो हमारे पास एक्चुअल लॉस क्या हो रहा होगा? 1000 का। और ये एक्चुअल लॉस 1000 का मार्केट में बिक सकता है, कितने पैसे आएंगे? ये 20,000 स्क्रैप प्रोसीड है। तीन चार बातें आपने नोट की हैं। चौथा पॉइंट जो इंग्लिश में आपने लिखा है रीड करके सुनाते हैं एक दफा दोबारा से। स्क्रैप प्रोसीड्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो अगर मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, जो फॉर्मूला मैं बनाया करता था अगर आपको याद हो कॉस्ट पर यूनिट का, तो इसमें एक चीज मैं चेंज कर दूंगा। फॉर्मूला तो पूरे का पूरा वही है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। लेकिन अभी एक चीज आपने नोट कर ली क्या? सर अगर हमारा स्क्रैप बिक रहा होगा ना तो स्क्रैप मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करेगा, तो कम कर लो। तो यहां से मैं माइनस कर रहा हूं, जरा गौर करना प्लीज। एक्सपेक्टेड स्क्रैप प्रोसीड्स, जब ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड है, तो ये भी क्या होगा? अच्छा, इतनी लंबी करने की जरूरत नहीं है, याद करोगे भूल जाओगे, चीजें याद नहीं होती है। कॉस्ट पर यूनिट महीने के स्टार्ट में आ रही है, महीने के एंड पर आ रही है, तो खत्म हो गई ना बात। महीने के स्टार्ट में तुम्हें क्या पता एक्चुअल लॉस क्या आना है? महीने के स्टार्ट में तुम्हारे पास सिर्फ एस्टीमेट ही है, ऐसा ही है? तो एस्टीमेट है तो जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेड स्क्रैप आएगा। ये बात क्लियर हो गई है? अगर किसी को कंफ्यूजन होगा ना, कभी भूल रहे हो कि सर याद हमें करना पड़ेगा, छोटी सी बात नोट कर लो, महीने के स्टार्ट में निकल रहा, महीने के स्टार्ट में हर चीज एस्टीमेट में होगी। जी मेरे बच्चे, यही तो है एक्सपेक्टेड स्क्रैप सी। जब मेरी बात हो रही है तो एक्सपेक्टेड हो गया ना। तुम कह रहे हो, मुझे तुम्हारा सवाल शायद नहीं आ रहा समझ में। तुम कह रहे हो हमारी बात हुई है, किससे बात हुई है? रद्दी वाले से, स्क्रैप वाले से, कि 1000 यूनिट वेस्ट होंगे, मैं तुम्हें 20 के हिसाब से दूंगा 20,000। तो हाँ, तो मेरी बात हुई है, तो महीने के स्टार्ट में मुझे ये बात पता है, वही मैंने 20,000 माइनस कर लिए। तुम अगर ये पूछना चाह रहे हो तो वो तुम्हें आगे जाके पूछना पड़ेगा। मुझे ये लग रहा है शायद तुम्हारा सवाल ये जो तुम सही से नहीं पूछ रहे कि सर अगर महीने के एंड होने के बाद 1000 का वेस्ट ना हुआ तो फिर क्या होगा? रद्दी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अभी तो आप पढ़ रहे हैं प्रोसेस अकाउंट विद स्क्रैप प्रोसीड, अभी तो नॉर्मल लॉस भी आएगा, गेन भी आएगा, फिर क्या करेंगे? तो फिर स्क्रैप का एस्टिमेट भी आपको ऊपर नीचे होगा, उसमें भी आपको फायदा या नुकसान होगा। एंट्रीज अभी बढ़ना स्टार्ट होगी, अभी देखना हर सवाल में 10-10 एंट्री आनी स्टार्ट हो जाएंगी। बोल करो ये इंटरमीडिएट लेवल है, ठीक है? अच्छा सर मुझे बताएं टोटल कॉस्ट क्या आ रही है मेरे बच्चे? प्राइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवर हेड 5, 5, 10 कितना आ रहा है? 2 मिलियन। एक्सपेक्टेड स्क्रैप प्रोसीड क्या आ रहे हैं? उसके लिए एक्सपेक्टेड आउटपुट आपके पास होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड आउटपुट का क्या फॉर्मूला था?
इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, इनपुट कितना है और नॉर्मल लॉस कितना है 20%, 1000। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या हो गई, ये 4000 गया यहां पर। अच्छा, एक्सपेक्टेड स्क्रैप प्रोसीड क्या हो गई, 1000 × 20 ऐसा ही। तो वो सेंटेंस नंबर फोर्थ सेटिस्फाई हो गया, स्क्रैप प्रोसीड विल रिड्यूस दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर कितनी कॉस्ट आ गई मेरे पास, 1980000 डिवाइडेड बाय 4000 किलो। हाँ भैया कितना बन रहा है, कैलकुलेटर आपके पास है, 490 पूरा पूरा बन रहा है, 495 पर केजी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिर्फ एक छोटी सी बात मुझे एक्सप्लेन कर दो। एज्यूम करो इस सवाल के अंदर, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बहुत ध्यान के साथ, इस सवाल में हमारा जो लॉस है वो स्क्रैप में सेल नहीं हो सकता। रद्दी वाले ने कहा भाई ये बिकने वाला माल नहीं है, फेंक दो इसको, तो हमें ये 20,000 रुपए नहीं मिलेंगे। एग्रीड? अगर ये 20,000 हमें नहीं मिलेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रही है, 500 रुपए। तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 5 रुपए कम हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? सर ये स्क्रैप बेचने की वजह से मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये बात याद रखना, जिस तरह नॉर्मल लॉस कॉस्ट को बढ़ा रहा होता है, कस्टमर बेयर करता है, उसी तरह स्क्रैप प्रोसीड कॉस्ट को कम कर रहा होता है। और बेनिफिट कौन लेता है, क्योंकि अब मैं प्राइसिंग 500 रुपए करने के बजाय 495 पे करूंगा। सर आपने कस्टमर को 5 रुपए का बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया, क्यों बेटा? इसलिए कि जिस तरह नॉर्मल लॉस का नुकसान वो बेयर कर रहा था, अगर वो स्क्रैप में सेल होगा तो उसका बेनिफिट भी आपने जो है वो उसको देना है, क्योंकि मिस प्राइसिंग अगर आपने की तो कस्टमर भागना स्टार्ट कर देगा। क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? अब जरा बोर्ड पर बहुत ध्यान से देखना, मैं टी अकाउंट बना रहा हूं अलॉन्ग विद क्वांटिटी स्केड्यूल एंड वैल्यूज। शायद आपने ये देखा होगा, ये पहला सवाल है जहां मैंने टी अकाउंट के बगैर कॉस्ट पर यूनिट बाहर निकाल दिया, ठीक है? तो कोई पैटर्न, कोई फॉर्मेट एग्जिस्ट नहीं करता। ये इस फॉर्मेट के अंदर मैं आंसर इसलिए निकाल रहा हूं कि नॉर्मली रिक्वायरमेंट इस फॉर्मेट के अंदर आती है, इट हैज नथिंग टू डू विद द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन। ये रिक्वायरमेंट है, ऑर्डर नहीं है, ये बात क्लियर होती है? आप देखिए मैंने क्वांटिटी स्केड्यूल नहीं निकाला, डायरेक्ट काम कर दिया। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। सर मैं WIP अकाउंट बना रहा हूं, मेरा बच्चा मटेरियल कितना आपने ऐड किया है, 7,000, 5,000 कितने पैसों का, 5,00,000 का। लेबर कितना है, 5,00,000। और ये कितना है, 1,000,000। ये अकाउंट में फिनिश गुड कौन से वाले आते हैं भैया, एक्चुअल जो है वो कितने हुए लिखे हुए सवाल में, 4,000। नॉर्मल लॉस जो है वो कौन सा वाला आता है भाई, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड कितना दिया हुआ है, इस एक्सपेक्टेड की वैल्यू आपके पास है कितनी, 20 रुपए। 20,000 की स्क्रैप प्रोसीड बनती है, और फिनिश गुड की वैल्यू कितनी बन रही है आपके पास, 495 × 4,000 कितना बनता है, 495 × 1980 ऐसा। अकाउंट चेक करें, दोनों साइड पे क्लोज हो रहा है, कोई फड्डा किस्म का इशू आसान था, क्योंकि नॉर्मल लॉस एग्जिस्ट नहीं करता था। जरा ध्यान करना एंट्रीज के अंदर, जरा ध्यान करना सर एंट्रीज बहुत ध्यान के साथ। पहली एंट्री तो बड़ी आसान है, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, कितने से, 1,980,000 ऐसा। सुनते जाना एकदम से हालात जज्बात सब बदल जाएंगे। दूसरी एंट्री किस चीज की है, ये जो स्क्रैप की एंट्री आप पास करने वाले हैं, ये कौन सा वाला स्क्रैप है, एक्सपेक्टेड के एक्चुअल? टी अकाउंट में कौन सा वाला लॉस जाता है, एक्सपेक्टेड के एक्चुअल? तो ये एक्सपेक्टेड लॉस है। तो ये एंट्री किस चीज की है, एक्सपेक्टेड लॉस की। एक्सपेक्टेड लॉस की एंट्री कब पास होगी, महीने के स्टार्ट में, महीने के एंड पर, महीने के स्टार्ट में। तो मैं एंट्री पास करने जा रहा हूं, सुनिएगा प्लीज। स्क्रैप अकाउंट डेबिट किसके अगेंस्ट, कितने से, दोबारा पूछ रहा हूं, ये एंट्री किस चीज की है, एक्सपेक्टेड लॉस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं लिख देता हूं यहां पर एहतियातन, ताकि आप कल को भूल ना जाए, एक्सपेक्टेड लॉस। दूसरा सवाल, बिल्कुल अच्छा सवाल है मेरे भाई, दूसरा सवाल, स्क्रैप अकाउंट की नेचर क्या है, स्क्रैप है क्या? Let me ask this question again. Feel free to make mistake. एक तो आप आंसर दिया करें, अंधी मार दिया करें अगर आपको कुछ नहीं आता। दोबारा पूछ रहा हूं,
ये एंट्री एक्सपेक्टेड लॉस की एक्चुअल लॉस की है, एक्सपेक्टेड लॉस की है। कब पास हुई? महीने के स्टार्ट में, महीने के एंड पर? महीने के स्टार्ट में पास हुई, मेरा अंदाजा है। एग्रीड कि इतने का स्क्रैप बिकेगा, ऐसा ही अंदाजा मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर भी लगाता हूं। मैंने हमजा को माल बेचा 20,000 रुपए का, हमजा को बोला पैसे दे, हमजा ने कहा एक महीने बाद ले लेना, मैंने कहा चल सही है, एंट्री के पास करूंगा बुक्स में। सेल्स अकाउंट क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, एक बंदे को एंट्री आती है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सब गांव से आए। हमजा मेरा कस्टमर है, इसको मैंने माल बेचा, मैंने कहा कैश दे, इसने कहा अली एक महीने बाद ले लेना, मैंने कहा खैर है, मुझे इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, क्या रिकॉर्ड करूंगा? सेल्स अकाउंट क्रेडिट इनकम हो गई है, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल की क्या नेचर है मेरे पास? एसेट है, करंट एसेट है, एक साल बाद आने, एक महीने बाद आने पैसे, ऐसा ही है, पता है ना ये चीज। स्क्रैप प्रोसीड, ये एंट्री कब पास की है? महीने के साथ में, महीने के एंड पर? महीना एंड होगा, अकाउंट जब एंड होगा, प्रोसेस एंड होगा, मैं ये स्क्रैप बेचूंगा और मेरे पास क्या आएगा? कैश आएगा। तो इसकी नेचर क्या हो गई? कैश की। क्या ये बात क्लियर है? तो स्क्रैप की अब याद रखना दो एंट्रीज हैं, ये कौन सी वाली एंट्री है? अच्छा, अब महीना एंड हो गया, अब महीना एंड हो गया, उसे ध्यान करना, महीना एंड हो गया। महीना एंड होने के लिए मैं चेक करूंगा हमारा क्वांटिटी स्केड्यूल, एक्चुअल इनपुट कितना था, एक्चुअल आउटपुट कितना था। दोबारा बोल रहा हूं, ये मैंने कहां से चेक किया है? क्वांटिटी स्केड्यूल से। एक्चुअल इनपुट कितना था, एक्चुअल आउटपुट कितना था? There is no abnormal loss or no abnormal gain. तो मुझे बताएं मेरा इस सवाल में actual loss कितना हुआ है? 1,000 किलो, क्या ये बात क्लियर होती है? Actual loss भी 1,000 किलो हुआ है, expected loss कितना था? Actual loss कितना है? दोनों match कर रहे हैं, जब भी abnormal loss abnormal gain नहीं आ रहा, पीछे कोई भी सवाल उठा के चाहो तो check कर लो। Actual loss का निकालने के लिए actual output और नॉर्मल लॉस दोनों का आपस में कंपेयर करो, जो गैप आ रहा होगा वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल लॉस या नॉर्मल गेन। यहां पे एक्चुअल लॉस कितना आ रहा है? जो सोच के रखा था, जो सोच के रखा था वही हो गया। तो मेरे बच्चे क्या नाम आपका? अरे उसके बराबर वाले का सोएब। मैंने रद्दी वाले से बात की थी महीने के स्टार्ट में, मैं तुम्हें 20 के हिसाब से दूंगा, प्रोसेस एंड हो गया, महीना एंड हो गया, रद्दी वाला आ गया, जब वो आके स्क्रैप चेक करेगा तो कितना स्क्रैप है मेरे पास रखा हुआ, तो जो मैंने उसको जबान दी थी वो जबान मेरे पास पूरी हो गई। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं उस रद्दी वाले को ये स्क्रैप बेच दूंगा। तो अब मैं जो एंट्री पास करने जा रहा हूं, वो पास करने जा रहा हूं एक्चुअल स्क्रैप की। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो स्क्रैप की दो एंट्रीज आपने पास करनी है, कौन कौन सी? महीने के स्टार्ट वाली, महीने के एंड वाली, क्योंकि जब सवाल में नॉर्मल लॉस गेन आएगा सवाल आगे पीछे होना स्टार्ट हो जाएगा। सर एक्चुअल स्क्रैप की एंट्री पास करने के लिए वैल्यूज कहां से बाहर आएंगी? दोबारा बता रहा हूं, क्वांटिटी स्केड्यूल में जाएंगे, देखेंगे एक्चुअल इनपुट कितना है, कितना है 5,000, एक्चुअल आउटपुट कितना है, कितना है एक्चुअल लॉस कितना है। तो रद्दी वाला जब आएगा तो 1,000 यूनिट उठाकर मुझे कितना पैसा पे करेगा? जब ये 20,000 मुझे पे करेगा तो मैं एंट्री पास करूंगा कैश अकाउंट डेबिट, कितने से, किसके अगेंस्ट, ये किस चीज का पैसा मिला है? स्क्रैप का, बिल्कुल सही है। क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? तो अब आपके पास दो एंट्रियां आ गई, एक्सपेक्टेड स्क्रैप और एक्चुअल स्क्रैप, और एक से आप आपके पास और भी आ गया, मुबारक हो सर। अब आपने एक टी अकाउंट, मेरे पास बोर्ड पे नहीं है जगह तो इसलिए मैं यहां पे छोटा सा बना रहा हूं, एक अकाउंट स्क्रैप का भी बनाना है। नॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाया ना, गेन का अकाउंट बनाया, स्क्रैप का बनाया, अभी सवाल आ गया, बहुत मजा आएगा, सब बनेगा, अब बनाते बनाते आपका सवाल लंबा होना स्टार्ट हो जाएगा। सर स्क्रैप का अकाउंट क्या हो रहा है, किसके अगेंस्ट, और महीने के एंड पे आपने बेच दिया, क्रेडिट किसके अगेंस्ट, अकाउंट क्लोज हो गया। क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? तो ये इंटरमीडिएट लेवल का पहला सवाल था, आज आपने स्क्रैप देख लिया। आप स्क्रैप के सवाल में क्या हो रहा है, दोबारा बता रहा हूं, ब्रीफ कर रहा हूं। सबसे पहले स्क्रैप आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर रहा है, स्क्रैप का बेनिफिट कौन ले रहा है, आपने कॉस्ट पर यूनिट को कम कर दिया। दूसरा, स्क्रैप की दो एंट्रीज पास होती है, कौन कौन सी, एक महीने के स्टार्ट में, एक महीने के टी अकाउंट के अंदर जो स्क्रैप लिखा हुआ है, महीने के स्टार्ट वाला, महीने के एंड वाला, महीने के स्टार्ट वाला, ये देखेंगे महीने का स्टार्ट और महीने का एंड, इसलिए बोलता हूं बच्चे के लिए बात समझना आसान है। इट हैज नथिंग टू डू विद महीने का स्टार्ट, दिन का स्टार्ट भी हो सकता है, साल का भी स्टार्ट हो सकता है। मैं सिर्फ आपको एक्सपेक्टेड और एक्चुअल बोलने के बजाय महीने का स्टार्ट, महीने का शुरू इसलिए बोल रहा हूं कि आप अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं कि महीने के स्टार्ट में बहुत सारी बातें मुझे नहीं पता,
सेशन के स्टार्ट में मुझे बहुत सारी बातें नहीं पता, आप में से बहुत सारे लोग इस क्लास में नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस से मुराद है आईकैप के स्टैटिस्टिक्स है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो बच्चा अपेयर होता है 1/3 बच्चे पास 2/3 बच्चे फेल, ऐसे ही है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे नॉर्मल गेन बन जाएंगे, नॉर्मल गेन से मुराद ये उम्मीद आईकैप को उम्मीद थी आपसे, मुझे तो आपसे उम्मीद है कि आप सब फेल हो, आईकैप को आपसे उम्मीद थी कि आप फेल होंगे लेकिन आप पास हो गए, और आप में से बहुत सारे बच्चे नॉर्मल लॉस भी बन सकते हैं। आईकैप को उम्मीद थी कि इतने बच्चे पास होंगे लेकिन कम बच्चे पास हो गए, क्या ये बात क्लियर हो रही है? अब मुश्किल लग रहा होगा ना, अपने ऊपर आती है तो बहुत मुश्किल फील होनी स्टार्ट हो जाती है। सर दूसरी एंट्री हमने पास की एक्चुअल स्क्रैप की, एक्चुअल स्क्रैप की एंट्री कब पास होगी? महीने के स्टार्ट में, महीने के एंड पर। लेकिन ये एंट्री पास करने से पहले, इसकी वैल्यूज उठाने से पहले मुझे क्या चेक करना है? क्वांटिटी स्केड्यूल, क्वांटिटी स्केड्यूल में दो चीजें देखूंगा, क्या क्या? एक्चुअल इनपुट, एक्चुअल आउटपुट, और मेरे पास क्या आ जाएगा? और जो भी एक्चुअल लॉस आएगा उसको स्क्रैप के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या ये बात क्लियर है? तो मैं एहतियातन कैश की एंट्री के आगे लिख भी देता हूं कि मैंने किसको किससे मल्टीप्लाई किया है, ये बात यहां तक क्लियर होती है? सर इसको छाप लें, मैं आपको 5 मिनट, कितनी देर आपको लगेगी? 5 मिनट, जल्दी से छाप लें फिर नए सवाल पे बढ़ते हैं। दोस्त रिकॉर्डिंग पॉज कर दीजिएगा ताकि नए क्वेश्चन के ऊपर बढ़े।